आज सूरज चमक रहा है तो मतलब खिलाड़ियों के चमकने का बढ़िया है समय। बल्लेबाजों के लिए कठिन चुनौती है क्योंकि पिच, दोनों कप्तान अपनी टीम शीट्स के साथ तैयार है। हेड्स चुना है कप्तान ने, एंड हेड्स इट इज। गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां, अपनी विकेट नहीं गंवानी है यहां इनको, तो फिर जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, या फील्डर का बढ़िया थ्रो, एकदम फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। नो बॉल, नो। ये तो थोड़ी सी खराब सी गेंद। नो बॉल का इशारा, मिलेगी फ्री हिट, एक महंगी। अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला क्रिकेट कोचिंग मैनुअल में। बल्लेबाज जाबाज, हवाई फायर, चार। वन वन वन। चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्ले। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर ग्रेट कैच। शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अब्रप्ट एंड, बढ़िया पकड़ा कैच और इस इनिंग की पहली विकेट। गेम बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सही जजमेंट का सही नतीजा, बढ़िया कैच, एक और सफलता। दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके। नया बल्लेबाज आया है क्रीज पर, अब उम्मीद है कि ये टीम की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। ऐसा लगा जैसे गेंद गायब ही हो गई हो, क्योंकि बल्ले से ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर। वन वन वन। चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। क्विक सिंगल, अपने शॉट से निराश जरूर हैं क्योंकि पकड़ा गया है कैच। मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज अब मैदान पर है और उम्मीद यही है नियंत्रण प्रदान करेंगे वो अपनी टीम को। फील्डर कर रहे थे इंतजार, गेंद गई उनकी झोली में, बल्लेबाज गया पवेलियन की तरफ। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। थोड़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि अंत तक ये नाबाद रहें। वन वन वन।
हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्विक सिंगल, पारी की शुरुआत। अच्छा वन वन वन। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति। वन वन वन। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल। बढ़िया इस बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त, देर से आए हैं दुरुस्त। फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया जोरदार अपील, लेकिन अंपायर इंप्रेस्ड नहीं, नॉट आउट का किया है फैसला। पिच में थोड़ी सी मदद मौजूद है और गेंदबाज के हाथ में रिवर्स स्विंग का जादू है, बढ़िया गेंदबाजी। फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो। गॉट हिम, ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। दूसरे छोर पे लगातार विकेट्स गिरती जा रही हैं, ये नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, तो ये इनको कोशिश करनी है कि क्रीज पर डटे रहें, जमे रहें। जोरदार अपील, करीबी। कैमराज ने पकड़ लिया है, जी बिल्कुल निक है, अल्ट्रा एच भी कंफर्म कर देगा कि आवाज आई या नहीं आई। मुझे लगता है कि उनको भी पता था कि वो आउट हैं, खैर अल्ट्रा एच ने कंफर्म किया। दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंदबाज इज ऑन अ रोल। मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज अब क्रीज पर, तो उम्मीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पारी को। वन 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 वन। फील्डर का बढ़िया थ्रो एकदम स्टंप्स के ऊपर। या या। चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज। बहुत ही फाइन खेला इस पैडल स्वीप शॉट को, मिलेंगे रन्स। इस बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे दोस्त। No! फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन, हल्का सा घुटने को टेका है और पैडल स्वीप का किया है बढ़िया इस्तेमाल। अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बेहतर ने लगाई जबरदस्त। अपील में तो दम था, लेकिन अंपायर ने नकार दिया।
और इस बार बड़े शॉट का प्रयास। खूबसूरत टाइमिंग, जबरदस्त शॉट। पहले गियर से सीधा छठे गियर में छे। ग्लोरियस स्ट्रोक, महीन सीधी दरार, उसमें से बटोर लिए हैं पूरे। इस गेंद के साथ हां और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बड़ी इनिंग बिटवीन द विकेट। आउट, कॉट। क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं ये, कैचिंग प्रैक्टिस है क्या? बहुत ही रोचक फैसला कप्तान का, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को प्रमोशन दी है बैटिंग ऑर्डर में। खास है ये गेंदबाज, रिवर्स स्विंग कराने में माहिर है ये गेंदबाज। अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं। अच्छी रिवर्स स्विंग मिली इस गेंद पर। इस बॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। क्या बाहरी किनारा लगा है? अंपायर ने स्टंप कैमरा की है मांग टू कंफर्म सही है या गलत है। ओ डियर, लगता है कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है। गेंदबाज बहुत चतुर, बाहर की तरफ गेंद डाली, उनको खराब शॉट मारने के लिए किया मजबूर और अल्ट्रा एज ने बता दिया दूध का दूध पानी का पानी। यहां खैर इनके पास ज्यादा चांसेस थे नहीं अपने आप को बचाने के, अब लंबी वॉक लेनी होगी। इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं है हम इनको। खैर आज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी। आ जाता है ये गेंदबाज इस बार राउंड द स्टंप्स। सुरक्षित हाथ है इस फील्डर के, कैच। तोहफे में दे गए अपनी विकेट। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता। उछल्ले बल्लेबाज जरूर हैं ये, लेकिन ये सवाल पूछना जानते हैं, ये जवाब देना जानते हैं। सही समझ बूझ के साथ पकड़ा इस कैच को। दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंदबाज इज ऑन अ रोल।
अब आया है वो बल्लेबाज जो टीम को ले जा सकता है जीत के पास। मैदान पर नए हैं फील्डर की अच्छी एफर्ट और बढ़िया थ्रो भी। यस कैच। बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने। स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र में। वैक, रोकने की कोशिश नाकामयाब। एक और चार। जोरदार शानदार शॉट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर और यहां हो रही है चौकों की बरसात। दो गेंदे, दो चौके। चौके के साथ ओवर समाप्त। एक के बाद एक साधारण गेंद, बहुत सारे रन बाद। एक को किया दो में तब्दील। बढ़िया स्मैश्ड। इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील। ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया है छे। ऊंची दूर। हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया। बढ़िया रनिंग। हवा में है शॉट। फील्डरों को छोड़ो, दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा। स्टेडियम के बाहर छह रन फील्ड में। बल्लेबाज सुपर कूल। ये शॉट पैसा वसूल। छह रन, क्या कमाल का शॉट है ये। क्रैकिंग शॉट। यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बंटवाने पड़ेंगे। एक और गेंद गई है स्टैंड्स में। पहला से सिक्सेस।
जबरदस्त अंदाज में पहुंचे अपने 50 पर। स्लैम, कहने को तो 6 रन है लेकिन लंबाई देखे शॉट की तो मिलने चाहिए। इसे कहते हैं खालिस लॉग। मिड विकेट के ऊपर से बिजली की तरह कौंधे इनके पैर और जड़ दिया है एक। बॉलर के पीछे फील्डर होता नहीं, इस शॉट से बेहतर हमने कभी देखा नहीं। इस मौके को चौके में किया तब्दील, ओवर को किया समाप्त। फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो। चाबुक, कॉपी बुक, 6 रन ये शॉट। अब इसे कहते हैं टीम को बाउंड्री की जीत लिया मुकाबला। कमाल का प्रदर्शन देखा हमने। टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजुबान। मैच विनिंग प्रदर्शन पूरी तरह से मैच को किया अपनी टीम के पक्ष में। मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन्हीं के पास।